दोस्तों एनिमे में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन वो सभी लोगों में से हमें कहीं ना कहीं हीरो से अच्छे लगते हैं। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में, और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट पावरफुल एनिमे हीरोज के बारे में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बस इतना बताना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस ना कर सके। दोस्तों आप सभी जरूर कोई ना कोई एनिमे देखे होंगे। अगर सभी एनिमे में देखे तो हमें बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स, अलग पावर और अलग अलग यूनिवर्स देखने को मिल जाते हैं। इसकी वजह से पूरे एनिमे में कौन किससे ज्यादा पावरफुल है ये डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल साबित होता है। लेकिन दोस्तों फिर भी हम इस वीडियो में आपके लिए टॉप 10 मोस्ट पावरफुल एनिमे हीरोज का काउंटडाउन को लेके आए हैं। आशा है कि दोस्तों ये काउंटडाउन आपको जरूर पसंद आएगा, और अगर ये लिस्ट में कोई छूट गया तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 मंकी डी लफी। दोस्तों मंकी डी लफी वन पीस का मेन प्रोटैगनिस्ट है। यहाँ पर दोस्तों लफी स्ट्रो हेड फाइटर्स का कैप्टन है। लफी का फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छा है। अपने स्ट्रेंथ के मदद से ये बड़े बड़े पत्थर को उठा भी सकता है और साथ में पत्थर को तोड़ भी सकता है। इसके अलावा लफी अपने स्ट्रेंथ के मदद से और भी बहुत कुछ कर सकता है। और तो दोस्तों लफी का स्पीड भी गजब का होता है, इसके स्टेमिना का क्या कहना। इसके पास हीलिंग का भी गजब का एबिलिटी होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही फास्टली रिकवर होता है। और दोस्तों देखा जाए तो ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब इस वर्ड पे आता है केंशिरो। दोस्तों केंशिरो होकुटो नो केन मैंगा और एनिमे का मेन प्रोटैगनिस्ट है। केंशिरो इतना स्ट्रॉन्गर है कि यह आसानी से लोगों को आसमान में पहुंचा सकता है। अपने आर्म्स यानी भुजाओं के मदद से ये बहुत ही ज्यादा आसानी से बड़े बड़े पत्थर को उठा सकता है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि इसका इतना ड्यूरेबिलिटी है कि ये एक बार उस एक्सप्लोजन को सरवाइव कर लिया था, जो एक्सप्लोजन पूरे सिटी को तबाह कर दिया था। लास्ट दोस्तों एक बार केंशिरो जागी को भी आसानी से हरा दिया था, वो भी उसका 100% मोड बिना यूज किए। यहाँ पर दोस्तों जागी इतना पावरफुल था कि वो एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को भी सरवाइव कर सकता था। और दोस्तों ये एग्जाम्पल से आप सोच सकते हैं कि ये कैरेक्टर कितना पावरफुल है। अब इस वर्ड 8 पे आता है नारुतो उज़ुमाकी। दोस्तों नारुतो उज़ुमाकी नारुतो फ्रेंचाइज का एक फिक्शनल कैरेक्टर है। ये कैरेक्टर साडोक्लोन टेक्निक यूज करने में बहुत ही एक्सपर्ट है। इसके अलावा ये हमेशा मोस्ट पावरफुल टेल बीस्ट भी रहा है। आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि ये कैरेक्टर का आधा पावर पूरे 5 बीजू बम को आसानी से ओवर पावर कर सकता है। इससे दोस्तों आप सोच सकते हैं कि ये कैरेक्टर का पावर किस लेवल का है। यहाँ पर दोस्तों नारुतो का भी सिक मूड होता है, और इसके अलावा नारुतो के पास बहुत सारे पावर्स और टेक्निक्स भी होते हैं। अब इस वर्ड 7 पे आता है मॉव। दोस्तों मॉव का रियल नेम कागिया शिजू है, जो कि दोस्तों मॉव साइको 100 सीरीज का मेन प्रोटैगनिस्ट है। ये एक ऐसा ह्यूमन है जिसके पास साइकिक एबिलिटी होता है। इसके पास बहुत ही ग्रेट पावर होता है, जैसे कि दोस्तों स्पिरिचुअल अवेयरनेस, टेलीकिनेसिस, साइकिक एनर्जी एब्सॉर्प्शन और एस्ट्रियल प्रोजेक्शन। यहाँ पर दोस्तों एस्ट्रियल प्रोजेक्शन पावर की मदद से ये किसी का भी माइंड या तो बॉडी में एंटर कर सकता है। लास्टली अगर इसके पावर्स को नोटिस करें तो इसका पावर पूरे बड़े पैमाने में नेचुरल डिजास्टर के समान है। इसके फिजिकल एबिलिटी के सामने इसके ओपोनेंट को हार मानना ही पड़ता है। अब इस वर्ष 6 पे आता है शैकी कुशो। दोस्तों शैकी कुशो डिजास्टर लाइफ ऑफ शैकी का मेन प्रोटैगनिस्ट है, जिसके पास दोस्तों सभी प्रकार का साइकिक रिलेटेड एबिलिटी होता है। शैका का इतना एबिलिटी है कि ये पूरे वर्ल्ड का ब्रेन वॉशिंग कर सकता है, साथ में उड़ सकता है और टाइम ट्रेवल भी कर सकता है। यहाँ पर दोस्तों और एक खास चीज ये है कि ये कैरेक्टर रियलिटी को भी वर्क कर सकता है, यानी चेंज कर सकता है। और दोस्तों इसके वजह से ये वर्ल्ड के रूल को भी चेंज कर सकता है। और दोस्तों देखा जाए तो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और इसके पास एबिलिटी भी बहुत ही गजब का है। अब इस 5 पे आता है इचिगो कुरासाकी। दोस्तों अगर आप इसका हेयर देखेंगे तो ये ऑरेंज का है, और ये एक शिनिगामी है। इसका पावर का देखें तो कभी कभी इसका पावर थोड़ा कंफ्यूजिंग सा होता है, क्योंकि कुछ टाइम इसका पावर इतना होता है कि आसानी से बहुत ओवर पावर वाले दुश्मन को डिफीट कर देता है। ये अपने स्ट्रेंथ और स्पोर्ट्समैनशिप की वजह से ही सभी पावरफुल गॉड या तो गॉडेस को हरा सकता है।
लास्टली हर एक दुश्मन को हराने के साथ इसको नए नए पावर्स मिलते रहता है। ऐसे नए नए पावर्स की वजह से ये और भी ज्यादा पावरफुल होते रहता है। और दोस्तों देखा जाए तो ये एक एक्सट्रीमली पावरफुल कैरेक्टर है। अब इस फोर पे आता है साइतामा। दोस्तों साइतामा भी पावरफुल हीरोज में से एक है। इसके 3 साल के ट्रेनिंग के बाद ये इतना पावरफुल हो गया था कि ये बस एक सिंगल स्ट्राइक की मदद से कोई भी एनिमी को डिफीट कर सकता है और इसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ का कोई भी लिमिट नहीं होता है। कोई भी पावरफुल मॉन्स्टर या तो विलन को हराने के लिए इसका एक सीरियस वाला पंच ही काफी होता है। लास्ट दोस्तों इसके बारे में इतना ही कहना चाहेंगे कि साइतामा का ऐसा कोई भी एनिमी का इतना पावर नहीं है कि इसको कुछ हार्म पहुंचा सके, क्योंकि दोस्तों इसके एनिमी के लिए बस इसका एक पंच ही काफी होता है। अब इस वक्त 3 पे आता है जियोनो गियोवाना। दोस्तों जियोनो पार्ट 5 वेंट ओरियो का प्रोटैगनिस्ट है। आप विश्वास नहीं करेंगे लेकिन इसके पास ऐसा एबिलिटी होता है जिससे कि अपने लाइफ को कंट्रोल कर सकता है। इसके पास इतना एबिलिटी है कि ये अपने ओपोनेंट का विल पावर को खत्म कर देता है और उसका एक्शन भी जीरो कर देता है। ये सब चीज होते हुए इसके ओपोनेंट को भी भनक तक नहीं लगता है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर ले तो अगर कोई एनिमी कुछ करने का कोशिश करेगा तो उसको बिना रियलाइज हुए टाइम रिसेट हो जाएगा। इसके वजह से वो सोचते रहेगा कि वो एक्शन क्या है, लेकिन रियलिटी में एनिमी जीवन से हारने के लिए तैयार रहता है। और दोस्तों ये अपने एनिमी को बहुत ही भयानक मौत देता है और इसे बच पाना भी बहुत ही मुश्किल साबित होता है। अब इस वक्त 2 पे आता है पेगासस सैया। दोस्तों पेगासस सैया सैनसिया मेंगा और एनिमी का मेन प्रोटैगनिस्ट है। सैया और उसकी बहन सैका दोनों ही ऑर्फेनेज में होते हैं, लेकिन सैया को सैका से अलग कर दिया जाता है क्योंकि वो ग्रीस में ट्रेन होके एक गैलेक्सियन वॉर में पार्टिसिपेट कर सके। सैया अपना सुपर ह्यूमन पावर कॉस्मोस से पाया था और अपना सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ स्पीड और एबिलिटी को यूज करने के लिए उसको ट्रेन भी किया गया था। ये एक ऐसा वॉरियर है जो इम्पॉसिबल बैटल में भी कभी कभी जीत हासिल कर लेता है और कुछ ओपोनेंट को चैलेंज करने से पहले सेक्रेटेरियस गोल्ड क्लॉथ को पहन लेता है। और दोस्तों अगर ये इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि ये कितना पावरफुल होगा। फाइनली दोस्तों भी नंबर 1 पे आता है मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू। दोस्तों सबसे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि दोस्तों ये एक टेक्निक है जो कि दोस्तों एक फॉर्म देता है और गोकू ही एक ऐसा मॉडल है जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव किया था। ये टेक्निक गोकू को एक अलग लेवल में पहुंचा देता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा बीस्ट है। गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट उसे स्ट्रॉन्गर ही नहीं बनाता है बल्कि उससे और भी स्ट्रॉन्गर होने का टूल्स देता है। और दोस्तों अगर देखा जाए तो ये गोकू के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से कितना एडवांटेज उठा सकता है, क्योंकि दोस्तों ये टेक्निक में माइंड ही बहुत ही बड़ा किरदार निभाता है। लास्ट अगर गोकू मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में आएगा तो इसके बाद गॉड भी इसे डिफीट करने में बहुत ही स्ट्रगल फेस कर सकते हैं। इसके वजह से ही ये नंबर 1 पोजीशन को डिजर्व करता है। तो दोस्तों ये था टॉप 10 मोस्ट पावरफुल एनिमी हीरोज के बारे में। दोस्तों आपको कैसा लगा और आपको कौन सा एनिमी कैरेक्टर सबसे ज्यादा पावरफुल लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम अब तक ऐसे ही ऑसम कॉन्टेंट पहुँचाते रहेंगे। तो दोस्तों मुझसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियोज में।